the structure of ribosome. Another video is par depend hai actually types of ribosome. Ribosomes ki aap jante ho, last time humne discuss kiye the ki do type hoti hai. आपको पता ही है यहाँ पर लिखा हुआ भी है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम. ठीक है, तो 70S राइबोसोम आप देख सकते हो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू 80S राइबोसोम के. ओके, एंड दूसरी बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बारे में. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसको कहा जाएगा? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बहुत सारे स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है. ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ. एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई चीज़ें अगर कोई सॉलिड पार्टिकल डालते हैं तो जो सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होता है वो नीचे जाके पहले जल्दी बैठ जाता है. अगर जो जिसका वेट हैवी नहीं होता है, जिसका वेट आप देखते हो कम होता है, तो वो लेट नीचे बैठता है, उसके अंदर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जो हैवियर पार्टिकल्स होता है, वो पहले जाके बैठेगा. और जो स्मॉल पार्टिकल होगा जिसका वेट एक्चुअली कम होगा वो कैसा होगा? लेट जाकर बैठेगा. ठीक है ना, तो इसको ये जो 70S राइबोसोम ये तो स्मॉलर होता ही है और ये बड़ा होता है, लार्जर होता है 80S राइबोसोम. दूसरे वर्ड में दिया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. अगर आप सोल्यूशन लेते हैं उस सोल्यूशन के अंदर अगर राइबोसोम डालते हैं 70S और 80S, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे जाकर बैठेगा वो राइबोसोम होगा कौन सा? 80S राइबोसोम, क्योंकि ये लार्जर भी है और इसका वेट भी ज़्यादा होता है. इसके बेसिस पे एक्चुअली वो नीचे जाके पहले बैठेगा और ये राइबोसोम कैसा होगा? या बोले थोड़ा समय लगाएगा, उससे ज़्यादा समय लगाएगा, ठीक है ना, नीचे बैठने के लिए. उसके बेसिस पे इसको अलग कर दिया गया, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका 70S है और इसका कैसा है? 80S है. ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर बात करते हैं मॉलिकुलर वेट की. तो मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 2.8 × 10⁶ डाल्टन. ठीक है, कितना दिया है मॉलिकुलर वेट? 2.7 × 10⁶ डाल्टन. तो आपको इसका मॉलिकुलर वेट कितना दिया है? इसका मॉलिकुलर वेट दिया है 4 × 10⁶ डाल्टन. इसका मतलब इसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिकुलर वेट कम है. अब डाल्टन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. वन डाल्टन इज इक्वल टू वन हाइड्रोजन एटम. मतलब एक डाल्टन का जितना वेट होता है उतना वन हाइड्रोजन एटम का वेट होता है. ठीक है, तो इस तरीके से लिखा है वन डाल्टन इज इक्वल टू वन हाइड्रोजन एटम. ओके, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि वन डाल्टन कितना होता है, तो वन हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है. ओके, तो ये तो समझ चुके होंगे आप लोग क्या स्मॉलर होता है 70S राइबोसोम, और आप देख सकते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है 70S होता है, और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है. ठीक है ना, और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 80S राइबोसोम के बारे में, ये लार्जर होता है, एंड ये जो होता है आप देख सकते हो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है 80S होता है. ठीक है, इसके साथ साथ इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है 4 × 10⁶ डाल्टन. फिर यहाँ पर बात करेंगे वन डाल्टन इज इक्वल टू वन हाइड्रोजन एटम के होता है. ठीक है ना, ओके, बाद में बात करते हैं. इधर ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको. तो आप देख सकते हो राइबोसोम के बारे में हम जानते हैं राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं. ठीक है, जैसा अगर वो 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है तो उसके दो सब यूनिट होते हैं, आपको पता होगा. एक सब यूनिट होता है 50S सब यूनिट और दूसरा होता है 30S सब यूनिट. और अगर वो 80S राइबोसोम है तो उसके होते हैं दो सब यूनिट. कौन से सब यूनिट होते हैं? 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट. ठीक है, तो बात करते हैं ये 50 और 30 को प्लस नहीं किया जाएगा. अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80S हो जाएगा. इसको प्लस नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है बताए आपको? इसको किसके बेसिस पे रखा गया? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे रखा गया. मतलब ये जो बड़ा यूनिट है, अगर बात करते हैं जैसे ये बड़ा यूनिट दिखाई दे रहा है राइबोसोम का, ये कौन सा 50S सब यूनिट है,
तो इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो बताया हुआ है, या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलो, या फिर आपको पता है दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के, और उसके अलावा जो इसका वर्ड है वो है स्वेडबर्ग यूनिट, जो हम लिखते हैं 70S, यहाँ पर लिखा हुआ 70S, या फिर हम बात कर रहे हैं 80S, तो 70S जो लिखा हुआ है या 80S जो लिखा है, 8S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है ना। वो स्वेडबर्ग यूनिट किसको एक्सप्लेन करता है, वो बताता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। मतलब ये जो 70S राइबोसोम है, इसके दो सब यूनिट है, 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट। तो 50S सब यूनिट जो है लार्जर होगा, अगर सॉल्यूशन के अंदर हम दोनों भी सब यूनिट डालते हैं फॉर 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट, तो 50S सब यूनिट पहले जाकर सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठेगा एज कम्पेयर टू 30S सब यूनिट के, ठीक है। ओके, तो ये लार्जर होता है और वो दोनों को एक्चुअली प्लस नहीं करते, वो दोनों को मिलाकर जो बन जाता है वो 70S बनता है, समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं उसी तरीके से 80S के बारे में बात करते हैं, तो 80S के बारे में जो दिया है 60S और 40S, उसको प्लस नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर जो 60S सब यूनिट होगा वो लार्जर होगा और 40S सब यूनिट कैसा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जिस वक्त हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर 40S सब यूनिट डाल देंगे या फिर 60S, दोनों भी सब यूनिट डालते हैं 40S और 60S, तो उसमें से नीचे जाके पहले कौन सा मॉलिक्यूल बैठेगा, कौन सा आप देख सकते हैं सब यूनिट बैठेगा, वो है 60S एज कम्पेयर टू 40S, कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, उसके बेसिस पे उसको 80S कहा गया, ठीक है। बात करते हैं 70S राइबोसोम की, तो 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट, यहाँ पर लिखा ऊपर स्मॉल सब यूनिट ऊपर लिखा हुआ 30S सब यूनिट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल सब यूनिट जो होता है किससे बना होता है, 16S RRNA से प्लस 21 प्रोटीन से बना होता है, कौन 30S सब यूनिट, ठीक है। और 50S सब यूनिट किससे बना होता है, 23 RRNA से एंड 5S RRNA से बना होता है, और यहाँ पर भी है 34 प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना, वो कौन बना होता है 50S सब यूनिट, ओके। तो ये बात थी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 30S और 50S सब यूनिट पाए जाते हैं, 30S और 50S सब यूनिट पाए जाते हैं 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 30S और दूसरा होता है 50S। तो ये जो राइबोसोम होता है, कल हमने डिस्कस किए थे, ये पाया जाता है एक्चुअली बैक्टीरियल सेल में, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, 70S टाइप का राइबोसोम, ठीक है। उस तरीके से 80S राइबोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो 80S राइबोसोम कल हम डिस्कस कर चुके थे, किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो 80S राइबोसोम की बात करें तो 80S राइबोसोम के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40S सब यूनिट होता है। तो 40S सब यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 80S RRNA से और 33 प्रोटीन से बना होता है 40S सब यूनिट, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं 20S, ये जो 60S सब यूनिट है वो किससे बना होता है, 28S RRNA से और 5.8S RRNA से और 5S RRNA से एंड 50 प्रोटीन से बना होता है, कौन सा 60S सब यूनिट, ओके। ये आपको पता है किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है 80S राइबोसोम, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको ये वीडियो आप देख सकते हो, आपको समझ में आया होगा, फिर से थोड़ा सा हम इस वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। तो आप जानते हो क्या टाइप्स ऑफ राइबोसोम, दो टाइप का राइबोसोम्स होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम स्मॉलर होता है, 80S राइबोसोम कैसा होता है, लार्जर होता है। इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 70S होता है, उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 80S होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट उसको कहा जाता है, अगर आप ये दोनों भी 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये लार्जर होता है, ये बड़ा होता है और इसका वेट भी ज़्यादा होता है, ये नीचे जाके पहले सॉल्यूशन के अंदर बैठेगा और बाद में ये कुछ समय ये लेगा, ठीक है ना, ज़्यादा समय ये लेगा और कम समय ये लेगा, ठीक है ना, 80S राइबोसोम, ठीक है।
है। और इसका मॉलिकुलर वेट भी आपको पता है कितना होता है, 2.7 × 10⁶ डेल्टा, 1 डेल्टा और डेबली का 1 डेल्टा इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन डेल्टा। और यहाँ पर दिए एटीएस राइबोसोम के बारे में तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया कि इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 4 × 10⁶ डेल्टा, ठीक है। बाद में बात करते हैं तो आपको पता है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम की बात करेंगे तो दो सब यूनिट होते हैं, 30S सब यूनिट था, 50S सब यूनिट आप देख सकते हो। और ये जो पाया जाता है 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट आप देख सकते हो, उसके बारे में ये जो ये 70S राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके दो सब यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 30S सब यूनिट किससे बना होता है, 60S आरआरएनए से और 21 प्रोटीन से बना होता है। 21 ये जो होता है स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, आप देख सकते हैं 30S सब यूनिट ये दो चीज़ों से बना होता है। और 50S सब यूनिट जो लार्जर सब यूनिट होता है किससे बना होता है, 23 आरआरएनए से और 5S आरआरएनए से एंड 34 प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं लार्जर सब यूनिट है, ये कैसे स्मॉलर सब यूनिट, फिर बाद में देखते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हो और ATS राइबोसोम के बारे में, ATS राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट होता है 60S सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट 40S सब यूनिट होता है, ठीक है। ओके, तो 40S सब यूनिट के बारे में बात करेंगे, ATS RRNA और 33 प्रोटीन से पाया जाता है 40S सब यूनिट, स्मॉलर प्रोटीन स्मॉलर सब यूनिट जो होता है, ठीक है ना। और जो लार्जर सब यूनिट होता है 28S RRNA से और 5.8S RRNA से और 5S RRNA और 50 प्रोटीन से पाया जाता है 60S सब यूनिट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसको प्लस नहीं करेंगे हम, 50S प्लस 30S नहीं, बल्कि किसके बेसिस पे रखा गया आप बताइए, इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा या सेडिमेंटेशन के कोएफिशिएंट कितना है, 50S होगा और इसका 30S होगा, ठीक है ना, इसको प्लस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में वैसी है 80S जो राइबोसोम है उसका 60S और यहाँ पर 40S आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्लस नहीं करेंगे, किसके बेसिस पे रखा गया 40S और 60S सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएँ, ठीक है ना।